बॉलीवुड की फर्स्ट फैमिली यानी कपूर फैमिली की बेटियां करिश्मा कपूर और करीना कपूर बॉलीवुड में कामयाबी की बुलंदियों को छू चुकी हैं। लेकिन इन दोनों से पहले कपूर खानदान की लड़कियों या बहुओं को फिल्मों में आने की इजाजत नहीं थी। इसी वजह से राज कपूर की खूबसूरत बेटी रितु नंदा कभी एक्ट्रेस नहीं बन पाई और बॉलीवुड में करियर ना बनाकर उन्होंने शादी कर ली। कहा जाता है कि रितु नंदा की शादी राजीव गांधी से तय की गई थी। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और दिग्गज अभिनेता रहे पृथ्वीराज कपूर के बीच गहरी दोस्ती थी। इंदिरा गांधी इस दोस्ती को रिश्ते में बदलना चाहती थी और इसी कारण उनके मन में राज कपूर की बेटी रितु को अपने घर की बहू बनाने की इच्छा जागी। रितु कपूर भी एक बहुत सुंदर पढ़ी लिखी महिला थी, लेकिन इससे पहले कि इंदिरा अपनी बात बेटे राजीव को बताती या उनसे रितु के बारे में जिक्र करती, राजीव गांधी ने अपने दिल की बात माँ इंदिरा को बता दी। ऐसे में कपूर और गांधी परिवार के बीच रिश्ता नहीं हो पाया था। 1969 में उनकी शादी दिल्ली के बिजनेसमैन राजन नंदा से हुई। राजन नंदा नामी सुरक्षा एजेंसी एस्कॉर्ट ग्रुप के मालिक थे। ऋतु के दो बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। बेटे का नाम निखिल नंदा और बेटी का नाम नताशा नंदा है। उनके बेटे निखिल नंदा की शादी श्वेता बच्चन से 1997 में हुई थी। ऋतु लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन से जुड़ी हुई थी। वो लाइफ इंश्योरेंस का काफी बड़ा नाम थी। उनके नाम एक दिन में 17,000 पेंशन पॉलिसीज बेचने का गिनीज बुक में रिकॉर्ड दर्ज है। 71 ईयर्स की उम्र में रितु ने कैंसर से लंबी जंग लड़ने के बाद 2020 में 14 जनवरी को दुनिया को अलविदा कह दिया था।